कुकिंग कुमार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे उपवास में खाने वाली आलू की सब्जी। ये रेसिपी बड़ी ही आसान है। इसमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखने जैसी है, वो ये है कि आलू को उबालेंगे कैसे ताकि वो चिपचिपे ना हो जाए। अगर एक बार आलू आपने परफेक्टली उबाल लिए फिर सब्जी सिर्फ 2 मिनट में बन जाएगी। तो चलिए बनाते हैं उपवास में खाने वाली आलू की सब्जी। उपवास की सब्जी बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज के 3 आलू लिए हैं, 1 वाटी भर के सिंगदाना लिए हैं। सिंगदाना इतने सारे नहीं लगेंगे पर हम एक साथ ही सिंगदाना को सेक लेंगे क्योंकि सेकने के बाद सिंगदाना काफ़ी चीज़ों में काम में आते हैं। बाद में तड़का लगाने के समय जो हमें चीज़ें लगेंगी वो हम तड़का लगाते टाइम देखेंगे। अब हमें आलू को कुकर में पकाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा एक ढक्कन रख देंगे कुकर में और इसमें एकदम थोड़ा सा पानी डालेंगे। आलू बॉईल करते टाइम आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि पानी जो है ये डिश के ऊपर नहीं आना चाहिए। हमें आलू को भाप से पकाना है, पानी आलू को छूना नहीं चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आलू सॉफ्ट हो जाएंगे और हमारी जो सब्जी है वो एकदम चिपचिपी हो जाएगी। अब हम कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और आलू को 4 विसल होने तक पकाएंगे। हम गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, हाई पे मत रखिएगा और बहुत स्लो भी मत रखिएगा। अब हम सिंगदाना सेक लेते हैं, तब तक हमारे कुकर का प्रेशर भी उतर जाएगा। सिंगदाना को हमें एकदम स्लो गैस पे सेकना है और ऐसे चलाते रहिएगा सिंगदाना को, नहीं तो सिंगदाना जल जाए। मैं मेरे काफ़ी वीडियो में कहता हूँ कि आप खाना बनाते टाइम कोई भी मंत्र बोले, जैसे ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः, गायत्री मंत्र, कोई भी मंत्र आपके जो भी इष्टदेव हो उनका स्मरण करें। इससे आपके खाने में एकदम पॉजिटिव वाइब्स आएंगे और आपका खाना एकदम बढ़िया बनेगा। मैंने सिंगदाना को सेक लिया है तो अब मैं गैस को बंद कर दूंगा। हम सिंगदाना को ठंडा होने देंगे, बाद में सिंगदाना का पाउडर करेंगे और फिर सब्जी में डालेंगे। ये देखिए, सिर्फ भाप से आलू पकाने से क्या होता है, हमारे आलू एकदम ड्राई रहते हैं, बिल्कुल भी पानी रहित है ये आलू। छीलने के बाद भी आलू एकदम ड्राई है तो इससे क्या होता है, हमारी सब्जी जो है वो एकदम बढ़िया बनती है और वो चिपचिपी नहीं हो जाती। सबसे पहले हम ले लेंगे 1 चम्मच जितना गिर गाय का घी। गिर गाय का जो घी है वो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गिर गाय के लिए हमने एक रेसिपी बनाई है, वो आप हमारी चैनल पे देख सकते हैं। और जैसे ही घी गर्म हो जाए हम डालेंगे 1 टीस्पून जितना जीरा। जैसे ही हमारा जीरा हल्का सा फ्राई हो जाए अब हम डालेंगे हरा मिर्ची, ये कम तीखे वाले हरे मिर्च हैं और मैंने 2 हरे मिर्च लिए हैं। हरे मिर्च के जो बीज है वो फूटते हैं तो आप ध्यान रखिएगा। और जैसे ही मिर्ची फ्राई हो जाए अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से सफ़ेद तिल, और जैसे ही हमारे तिल हल्के से पिंक हो जाए अब हम इसमें डाल देंगे आलू जो हमने बॉईल किया है और इन सब चीज़ों को बराबर मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जितना सेंधा नमक। नमक हम पहले कम डालेंगे, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में नमक डालेंगे। अब हम डालेंगे 2 चम्मच जितना सिंगदाना का पाउडर। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल 1/2 चम्मच जितनी शक्कर। जिनको शक्कर ना पसंद हो वो शक्कर स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें निचोड़ देंगे लगभग 1/2 नींबू। नींबू निचोड़ने के बाद सब्जी को मिक्स कर लेंगे। अब हम सब्जी को 2 मिनट के लिए ढक देंगे और पकने देंगे। ये देखिए, 2 मिनट ढक के रखने के बाद हमारी एकदम बढ़िया सी सब्जी तैयार है। ये देखिए क्या भाप निकल रही है। ये देखिए, क्योंकि हमने आलू को भाप से पकाया था, एक भी आलू एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं है,
और हमारी सब्जी एकदम ड्राई है और बहुत ही बढ़िया बनी है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही नई नई रेसिपी सीखने के लिए हमारी चैनल कुकिंग कुमार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।